بسم الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں کرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج ہم لوگ اپنے کھیت کے اندر بور کروانے لگے ہیں, بور پانی زمین سے. یہاں پہ نل لگانا ہے ہم نے, نلکا جسے ہم بولتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے لگانا ہے کہ یہاں پہ آس پاس کوئی بھی نل نہیں ہے, تو جب بھی کبھی کوئی کھیتوں میں آیا ہوتا ہے چارہ لینے کے لیے تو پیاس لگ جائے تو پھر پانی پینے کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک ریزن تو یہ ہے, دوسری ریزن یہ ہے کہ جب کھیت جو ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں تب جانوروں کو لے آتے ہیں چرانے کے لیے گندم کی کٹائی کے بعد, تو گرمیوں میں زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب ہم لوگ ریسپیز بنانے کے لیے کھیت میں آتے ہیں بار بار ہم کو جو ہے وہ روٹر چرانا پڑتا ہے, تو وہ کوئی تھوڑا سا پانی بھی چاہیے ہوتا, اس لیے بھی نلکا جو ہے وہ بہت ضروری تھا. تو اس لیے آج ہم بور کریں گے یہاں پہ نلکے کا اور یہاں پہ نل لگائیں گے, تو کافی مزہ آنے والا ہے. تو چلیے اچھا کافی ہے. یہ برما جو ہے اس کا یہ فائدہ کہ یہ پائپ جو پہلا پائپ رکھنا ہے نا زمین میں اس کے لیے جگہ بن رہی ہے. تقریباً 6 فٹ جو ہے اس کے ساتھ ہو گیا زمین میں, اور ابھی جو ہے وہ پائپ کی مدد سے رکھا جائے گا. کیڑا پائپ ہے پہلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا میرے پروردگار کرم کر. ٹھیک ہو گیا مستری صاحب؟ تو الحمدللہ پہلا پائپ جو ہے وہ زمین کے اندر رکھ دیا گیا. تو یہ ترپائی ہے, ترپائی بولتے ہیں اسے, تو اس کی مدد سے چین کپی لگے گی اس کے اوپر, اس کی مدد سے بور ہوگا بوکی کے ساتھ, اور ابھی اس کے اوپر لگانے لگے. اب اس صاحب جدوں بھی بور کوئی بھی کرنا ہے صاحب تو پہلے تیل لانے جانا ہر واری لانا بڑا ایسا ٹانگ دیے لو جی. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک ہو گیا. پانی سے یہ ہوگا کہ یہ بوکی جو ہے یہ آسانی سے کام کرے گی. بسم اللہ
तो अभी चूंकि एक ही बंदे का काम है यहाँ पे, तो अभी मौदम भाई की जो खिदमात है वो भी हासिल करेंगे, लेकिन अभी चूंकि एक बंदे से काम चल रहा है तो मैंने सोचा आज वर्जे सुन चाहिए दबा से जाए। ताकि सानू भी पता लगी जाए, जेड़े साढ़े देखने वाले ने उन्होंने पता लगी जाए। ਰਾਏ ਲਿਆ ਤਾੜ ਸੈਬਰੈਂਸ ਵੱਡਾ करम भाई नाश्ता कर लो, आज आज वालेकुम अस्सलाम। तो अभी नाश्ता आया, नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आलू और मटर का सालन है, दही है, अचार है और चोपड़ी हुई रोटियां मक्खन के साथ, देसी घी के साथ, साथ चाय है और साथ आमलेट। तो अभी इसके ऊपर ना वजन रखना है, क्योंकि चौथा पाइप आई थिंक लग गया, तो वजन जरूरी होता है। तो वजन के लिए मौजम भाई ऊपर खड़े हो रहे थे, तो वो काम थोड़ा रिस्की है। तो अभी इसमें वैसे भी अगर ईंटें हों तो वो रख ली जाती हैं, लेकिन अभी चूंकि मिट्टी जो है वो तोड़ू में भर के वो रखेंगे। किथे लगे हो करन स्प्रे? पानी आ दे च भरिया जे, पर कई दफा एदे च नीन हुंदा, फिर खाली हो जान ते फिर मगर नलके दी पानी दी बहुत परेशानी हुंदी, फिर दूरों लियाने पैंदा तुहानूं, बहुत दूरों लियाने पैंदा। ते हुण इंशाल्लाह ओह तुहाडा मसला क्लियर हो जाएगा, इहनां दी मेहरबानी आ, चलो इहनां नाल गल करदे ओ। नहीं चाचा यार, ऐ ना गल करो, कर लो ठीक है। साड़ी फिर कल याद ना कर छड़े, ठीक है। पानी वाली थोड़ी टेंशन मुक्की, अल्लाह खैर रखी, पानी वाली मुक्की, अल्लाह ने चाहे थे हूँ नहीं तुम्हें परेशानी होती। हूँ गर्मियाँ सर्दियाँ तो चलो फिर भी नहीं, सर्दियों मतलब सर्दियों। अच्छा
और मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी आ जाएगा और रेत जो है वो तकरीबन दो पाइप आ गई है। ये देखे रेत पानी निकलम करम भाई ये देखे, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ कि देख ले अगर एक पाइप और रेत के अंदर चला जाए तो तकरीबन 8 फुट रेत आ गई है और अभी 1 फुट और कह रहे निकल जाएगी रेत। माशाल्लाह माशाल्लाह पहले हम लोगों ने सोचा था कि 35 फुट पे रहने देते हैं, लेकिन अबू जान और चाचू जान कह रहे हैं कि थोड़ा और नीचे ले जाएं बोर को, क्योंकि उससे एक तो ये होगा पानी ज्यादा साफ हो जाएगा, ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह साफ ही था, दूसरा ये है कि अगर ऊपर रखेंगे ना तो फिर गर्मी जब शदीद होती है तो फिर वो पानी उतर जाता है बाजू का। टेंशन नहीं लानी भी यार, रेत बड़ी है दानेदार रेत आई है। तो पहले सोचा था कि 35 फुट पे रहने देंगे, लेकिन अभी जो है वो तकरीबन 40 से 47 फुट बोर हो गया। अभी चलते हैं मार्केट और मार्केट से लेके आते हैं इसका सामान। तो अभी जो रेत के अंदर जाएगा ना कितना बनना है, 3.5 फुट फिल्टर बनाएंगे जिसके जरिए जो पानी है वो ऊपर आएगा। मुकल्लफ भाई जो है वो कैमरे पे हैं, हम लोग आए थे, और ये हमारे अब्दुल हादी भाई, तो इन्होंने जनाब गर्मा गर्म चाय और पकौड़े जो हैं वो मंगवा लिए हैं। अच्छा, बड़ी मोहब्बत करते हैं क्योंकि अक्सर यहाँ से सामान वगैरह जो वो लेके जाते हैं, और लास्ट टाइम जब वो जंगल में जो था नलका उसका मसला हुआ था ना, तो वो जैन और मैंने यहीं से सामान जो है वो लेके गए थे। तो एक तो चीज़ अच्छी देते हैं, दूसरा रेट इनका मुनासिब होता है, बाकी जो मार्केट के दुकानदार हैं उनसे मोहब्बत करते हैं स्पेशल। अभी चाय और पकौड़े खाएंगे, उसके बाद जो बाकी चीज़ें रह गई हैं फिल्टर जो है तैयार कर लिया मिस्त्री साहब ने। ठीक है मिस्त्री साहब, राम नाम क्यों हो गया, की करना चूड़ी पानी जो है इसे बोलते हैं चट्टू, और ये जो बाकी है इसको मशीन बोलते हैं, और अभी इसके नीचे जो धागा लपेटा वो इसलिए लपेटा ताकि इससे ठीक ही रहेगी, और इसे बोलते हैं गज गज, और ये है हथी।
गुच्छा बोलते हैं और इसे बोलते हैं बोकी। ये प्लास्टिक की है, इसे बोलते हैं वाल। इसका मकसद ये होता है कि इसने पानी जो है इसके अंदर रखना होता है, और जब भी एक पंप आप लगाएंगे ना तो चट से पानी बाहर आ जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ऊपर उठता है और पानी निकलता है। जैसे ही आपने पंप छोड़ा ये नीचे फिर बैठ जाता है और पानी जो है वो सेव हो जाता है। अगर ये खाली हो जाए, ये ख़राब हो, तो फिर बहुत टाइम लगेगा आपको पानी निकालने के लिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये पानी रखेगा, आप 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद जब भी एक पंप लगाएंगे तो पानी वो आपको पानी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा पानी निकालने के लिए, जस्ट एक पंप लगाया और पानी। अनाया जो है वो बहुत ही ज़िद कर रही थी और अनाया जो है वो भी मेरे साथ आ गई। लो जी काका जी, खेलो भाई, तुहीद के पास चले जाओ, शाबाश, उधर चार पाई पे चले जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। आग ने बहुत तंग किया, पहले तो माचिस नहीं मिल रही थी, जैसे मिली और ये थोड़ी जो है वो गीली हो गई हुई थी और अभी आग जला ली है। अभी फिल्टर की तैयारी सबसे पहले होगी। ये पाइप जो होता है इसको आग लगाने से ये नरम हो जाता है, तो इसलिए ये साथ थोड़ा सोल्यूशन जो है वो लगाना, और ये हो गया फिक्स। ये कपड़ा है, ये डबल हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि रेत ना, बिल्कुल साफ पानी आएगा। पानी वैसे ही साफ होता, सिर्फ ये होता है कि रेत वगैरह ना आ जाए। चक्कर मार रहा है, ब्लेड में मार रहा आराम ना, मैं टोकना लगन वाला, चल बाहर एक बार ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਬਾਹਰ ਆਹੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਾਂ ਛੱਡ 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 ਕੋਟ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਈ ਚਲੋ ਛਾ ਲਾਣੇ ਚਲੋ ਛਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੋ ਫਿਲਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਔਰ ਅਭੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਲਗਾਏਗੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੇ ਪਾਈਪ ਦਾ ਲਾਓ ਜੀ ਜੋੜ ਲਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ये गीली टाकी लगाने से जो है ना ये सख्त हो जाता है, साथ टाक की मदद से ये पाइप नरम किया होता है। छोड़ से लावा या तेल पास छोटा थोड़ा तेल है, टाकी दबा साफ करिए यार, अरे नाल ही चुक से दे हो यार, चला से पहला ला रे छा चोरी कर हटे पैन चल निकला तो जो नाली थी ना, जो माल लेके आए थे नाली, वो हमने इसके अंदर रख दिया। अभी जो बोर है लोहे के पाइप ये निकाल लेंगे और उसके बाद इस पे नलका फिट करेंगे इंशाल्लाह। छोड़ो, और ये सेकंड लास्ट पाइप है, दो पाइप ही सिर्फ रह गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम जो है वो तकरीबन खत्म हो गया। पर यार जा कटो में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेन काम था वो खत्म हो गया। असल में हम चाह रहे हैं कि इसके लेवल हो जाए इसके बराबर, और फिर यहाँ पे सीमेंट के साथ ना जगह पक्की कर दे,
इसलिए ऊंचा कर रहे हैं। अरे ओ पीछे सोते यार, पीछे खलोन वास्ते जा रहा हूं। चाचू जी आज रोटी खाई हुई, आज स्प्रे हुंदी करंदी है। हमने नाश्ता काफी लेट किया था, तकरीबन 10 के करीब, क्योंकि सुबह सुबह के हम लोग आ गए हुए थे। अभी जो दोपहर का खाना है वो भी हमने खुद ही लेट मंगवाया, और खाने में अभी आलू गोभी और चिकन का सालन है, तो खाना खाते हैं। और अभी मुकल्लफ भाई चाह रहे हैं कि ड्रोन जो है वो भी उड़ाया जाए, आप ड्रोन के शॉट देखें और हम खाना खाते हैं, और बाद में जो बाकी काम रह गया है वो ख़त्म करते हैं। क्योंकि ये जो लोहे की नाल है ये बड़ी है और ये छोटी है, और ये उसके अंदर फिक्स होनी है, तो इसलिए इसको नरम कर लेंगे। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह मार दो चार चार। गीले कपड़े से भला क्या होता है, जब ये नरम होता है ना तो जोड़ लग जाता है, जैसे ही गीला कपड़ा ऊपर फेरे तो ये यकदम से फिर सख्त हो जाता है, तो इससे जोड़ बड़ा अच्छा लगता है। जोड़ पे टेप भी कर देंगे ताकि मजबूत हो जाए जोड़। मट्टी लगाने से ये होगा कि ये लीकेज वगैरह थोड़ी बहुत हवा जो है वो नहीं लेगा, क्योंकि हवा अगर लेगा तो फिर पानी नहीं आएगा, तो चूंकि बाद में इसको पक्का करेंगे, अभी आरजी तौर पे चेक करने इसलिए मट्टी लगाई जा रही, क्योंकि अभी चेक करना पानी तो फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा डालना पड़ेगा पहले पानी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अभी पानी आ रहा है मट्टी वाला, क्योंकि पहले मट्टी वाला आएगा फिर आस्ता आस्ता साफ हो। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, सिर्फ चेक के लिए गेर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से नहीं गेरना, आहिस्ता आहिस्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह नाल जो है वो पूरी भर के आ रही है। और अभी क्योंकि इसकी लीकें वगैरह भी होंगी, जब अच्छी तरह ये खुद हो रहा है, पानी जो है जैसे जैसे इसको हम गेड़ेंगे पानी साफ होता चला जाएगा इंशाल्लाह। अब मुबारक हो माशाल्लाह, जड़ी असी मेहनत की अल्लाह ताला ने सानू सिला दे दिता, तो पानी माशाल्लाह जबरदस्त आ गया। पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत का जितना ज़्यादा हम शुक्र अदा करें उतना ही कम है, क्योंकि पानी से ही ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही आसानी से दस्तयाब है, तो ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस साइड पे कोई भी नलका नहीं था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे नलका ज़रूर लगवाना चाहिए। तो उम्मीद है कि मज़ा आया हमको काम करके, बोरिंग का सारा जो प्रोसेस था, उम्मीद है अगर आपने वीडियो सारी देखी है तो आपको भी मज़ा आया होगा, और आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आप भी साथ साथ काम कर रहे थे। बहुत मज़ेदार प्रोसेस था, बड़ा मज़ा आया। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। बांध देंगे ताकि कोई मट्टी वगैरह इसके अंदर ना चली जाए, क्योंकि सुबह इंशाल्लाह इसका बकाया काम जो है वो हमने कर लेना है।
अभी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें भाई को। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़।